हे गाइस, मैं अविनाश, आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड 2 ऑफ टेक प्रोडक्ट लॉन्चेस में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते लॉन्च हुए टेक प्रोडक्ट्स के बारे में। और उसमें सबसे पहले मैं स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूंगा। तो इस वीक Xiaomi का 11T Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो अगर मैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपसे बात करूँ तो उसमें स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और कायरो 680 का CPU है, एड्रीनो 660 का GPU है, स्नैपड्रैगन का X65G मॉडल लगा हुआ है। और उसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और इसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसमें कैमरा सेटअप की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें कि 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा f1.75 अपर्चर और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विद 120 डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू और एक 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा f2.4 अपर्चर का। और इसमें अगर वीडियो शूटिंग की बात करें तो इसमें आपको 8K 30fps, 4K 60fps, 30fps, 1080p पे आपको 60fps, 30fps और 720p पे आपको 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। स्लो मोशन की बात करें तो इसमें 1080 पिक्सल पे आपको 120fps, 240fps और 960fps देखने को मिल जाता है। इसमें सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है f2.45 के अपर्चर के साथ, और इसमें 5000 mAh की बैटरी है, और इसमें Xiaomi का 120 वॉट्स का Xiaomi हाइपरचार्ज चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है जिससे कि ये फ़ोन सिर्फ 17 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, LPDDR5 रैम है इसमें और UFS 3.1 बेस स्टोरेज है। इसमें डुअल सिम डुअल 5G बैंड देखने को मिलते हैं, वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, डुअल स्टूडियो हाई रेस ऑडियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सेंसर्स की बात करें तो हर तरह के सेंसर इसमें मिल जाते हैं। 3 कलर्स में इसमें इसको Xiaomi ने लॉन्च किया है, एक है व्हाइट, दूसरा ब्लू, तीसरा है ग्रे। और ये MIUI 12.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है। और इसमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8128 जिसकी प्राइस 39999 है, 8256 जिसकी प्राइस 41999 है, और 12256 जिसकी प्राइस 43999। इस फ़ोन के वेट की बात करें तो इसका वेट 204 ग्राम्स है। और इसी इसमें जो नेक्स्ट स्मार्टफोन इस वीक लॉन्च हुआ है वो है Realme 9i स्मार्टफोन। ये एक बजट 4G स्मार्टफोन है, ये एक 5G स्मार्टफोन नहीं है। और इसमें स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि एक 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का उसका क्लॉक स्पीड है, एड्रीनो 610 का GPU है, 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसका 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और इसमें 480 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.8 अपर्चर का, और एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है f2.4 का, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। और अगर इसमें सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है f2.4 अपर्चर का। इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.0 स्टोरेज है, ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं जिसमें 2 नैनो सिम और एक एडिशनल आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। इसमें ड्यूअल स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0 और हर तरह के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और ये 3 कलर्स में इसको रियलमी ने लॉन्च किया है, व्हाइट, ब्लू और ग्रे। और रियलमी UI 2.0 एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, और इसमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक 464 जिसकी प्राइसिंग 13999 है, और एक 6128 जिसकी प्राइसिंग 15999 है। और इस फोन का वेट 190 ग्राम्स है। और अगले फ़ोन की बात करें तो वो ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो ने इसके 2 मॉडल्स लॉन्च किए, एक है रेनो 7 और एक रेनो 7 प्रो। ये दोनों 5G स्मार्टफोन है। पहले मैं रेनो 7 के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद में मैं रेनो 7 प्रो की स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बताऊंगा। तो ओप्पो रेनो 7 में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड का प्रोसेसर है, और इसमें G68 माली GPU है। इसकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का है, और इसमें 430 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और अगर आप HDR10 प्लस अनेबल करते हैं तो आपको इसमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसकी अगर कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.7 अपर्चर का, और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जिसमें कि 118.9 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है f2.4 अपर्चर का। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है f2.4 अपर्चर का। और अगर इसमें कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें ओप्पो ने अलग अलग फीचर्स डाले हैं, जैसे कि आपको ड्यूअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाता है, स्टिकर का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और सोलो फीचर्स आपको इसमें कैमरा फीचर्स में आपको देखने को मिलते हैं।
और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसे आप 65 वॉट की सुपरवुक चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस रिकॉग्निशन भी आपको देखने को मिलता है। सेंसर्स की बात करें तो हर तरह के सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट, और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। और ये कलर OS 12 पर बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। और इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 बेस स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें एक ही वेरिएंट है 8256, जिसकी प्राइसिंग 28999 है। और इस फ़ोन की वेट की बात करें तो ये 173 grams का वेट है। और अगर हम अब ओप्पो Reno 7 Pro के बारे में बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 1200 Max प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 3 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ में आता है। और इसमें G77 माली GPU आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें 6.53 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। और इसमें आपको 500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और अगर आप HDR10+ अनेबल करते हैं तो आपको 920 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा है। इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है F1.8 अपर्चर का, और एक इसमें 8 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें एक 2 MP का मैक्रो कैमरा है F2.4 अपर्चर का। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 MP का सेल्फी कैमरा आता है विथ F2.4 अपर्चर, और 90 डिग्री का उसमें फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। इसमें भी 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको आप 65 वॉट्स की सुपरवुक चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, फेस रिकॉग्निशन देखने को मिल जाता है। और सेंसर्स की बात करें तो हर तरह के सेंसर इसमें अवेलेबल है, जियो मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, ग्रेविटी, जायरोस्कोप, पेडोमीटर वगैरह। तो Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। कलर OS 12 के साथ में आता है, एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है, LPDDR4X रैम है, और इसमें UFS 3.1 बेस स्टोरेज है। वेरिएंट की बात करें तो इसमें भी एक ही वेरिएंट आता है 12256, जिसकी प्राइसिंग 39999 है। और इस फोन के वेट की बात करें तो 180 ग्राम्स इसका वेट आता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस वीक लॉन्च हुआ है वो ओप्पो की तरफ से एक स्मार्ट वॉच है, जिसका नाम ओप्पो ने बहुत इंटरेस्टिंग रखा है, वॉच फ्री। इस वॉच का नाम ओप्पो वॉच फ्री है, ये फ्री नहीं है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें एक 1.64 इंच की 2.5D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। और इसके स्ट्रैप साइज़ की बात करें तो 19 mm का सिलिकॉन स्ट्रैप इसमें यूज़ हुआ है। और अगर सिर्फ वॉच के वेट की बात करें तो 20.9, बहुत ही लाइट वेट वॉच है। और अगर वॉच और स्ट्रैप के साथ में वॉच का वेट 32.6 grams हो जाता है। और इसमें आपको 230 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिससे कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 14 डेज की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। और इसमें सेंसर्स की अगर बात करें तो इसमें 6-axis एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन, एम्बिएंट लाइट सेंसर और 100+ एक्सरसाइज मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक स्मार्ट एक्सरसाइज रिकॉग्निशन सेंसर भी है। और अगर इसके अलावा और फंक्शंस की बात करें तो इसमें AI, स्मार्ट वॉच फेस, मैसेज नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, कॉल आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइमर, अलार्म क्लॉक, वेदर, आप यहाँ से इस वॉच से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं और अपना फ़ोन फाइंड कर सकते। तो इस स्मार्ट वॉच की कीमत ओप्पो ने 5999 रखी है। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस सीरीज़ में है जो इस वीक लॉन्च हुआ है वो है बोट की तरफ से एक ब्लूटूथ हेडफोन। इसका नाम है बोट निर्वाना 751। इसमें 40 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है और ये ANC के साथ में आता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें 33 decibel तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। और अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो वो 54 hours आती है। और अगर आप ANC ऑफ कर देते हैं तो आपको 65 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। इसकी चार्जिंग टाइम 1 hour की चार्जिंग टाइम है, टाइप सी के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें 10 meters की वायरलेस रेंज देखने को मिल जाती है। और इसमें डुअल कनेक्टिविटी ऑप्शन है, मतलब आप इसे एज अ ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें 3.5 mm ऑक्स केबल भी कनेक्ट करके इसे वायर्ड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर वेट की बात करें तो ये 260 grams है और इसकी प्राइस 3999 है। इसको बोट ने 3 colors में लॉन्च किया है, एक है गन मेटल ग्रे, एक है स्टर्लिंग सिल्वर और तीसरा है बोल्ड ब्लू। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है केसियो की तरफ से एक G-Shock मड मास्टर GWG 2000 वॉच। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड केसियो ब्रांड की तरफ से, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि इनकी वॉचेस जो शॉक रेजिस्टेंट वॉचेस रहती है, तो उसी सीरीज में ये एक नई वॉच इन्होंने लॉन्च की है इस वीक, जिसका नाम है मड मास्टर GWG 2000। तो जैसा कि आप वॉच के नाम से समझ सकते हैं तो ये मड और शॉक रेजिस्टेंट वॉच है।
और इसमें आपको 200 मीटर्स तक की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल कंपास, बैरोमीटर, एल्टीमीटर और थर्मोमीटर जैसे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें वर्ल्ड टाइम के 29 टाइम जोन्स इसमें सेव है। इसमें स्टॉपवॉच देखने को मिल जाता है, काउंटडाउन टाइमर देखने को मिल जाता है, और अगर इसके और फंक्शंस की बात करें तो इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसमें फुल फ्लेज्ड कैलेंडर आपको देखने को मिलता है और इसमें एलईडी बैकलाइट आपको देखने को मिल जाती है, और ये एक सोलर पावर्ड वॉच है। और अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इसे आप कंटिन्यूस यूसेज के साथ में 25 मंथ्स तक का, ऑलमोस्ट 2 साल तक का आपको बैटरी लाइफ मिलती है, या आपको फुल चार्ज में 25 मंथ्स तक की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और इसको केसियो ने 3 कलर्स में लॉन्च किया है, पहला है ग्रे, दूसरा है खाकी और तीसरा है सैंड भी। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये डिजाइन से बहुत बल्की वॉच देखने को लगती है, बट स्टिल इसका वेट काफी कम है। ये 106 ग्राम्स की एक वॉच है, और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी प्राइस 59,995 आती है। और अगर लास्ट प्रोडक्ट जो इस वीक लॉन्च हुआ है, जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है फास्ट ट्रैक की तरफ से एक रिफ्लेक्स वॉक्स स्मार्ट वॉच। तो ये एक स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको 1.69 इंच का HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलता है, और इसमें भी आप 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। और इस वॉच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें इनबिल्ट एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिलता है आपको। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, एक्सरसाइज मोड्स है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस सेंसर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 10 डेज की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। इसको टाइटन ने, आप जैसे कि जानते ही होंगे कि फास्टट्रैक टाइटन का ब्रांड है, तो इसको फास्टट्रैक ने 4 कलर्स में लॉन्च किया है। एक है कार्बन ब्लैक, दूसरा ब्लू, तीसरा पिंक और चौथा फ्लेमिंग रेड। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 4,995, 4,995 रुपये इसकी प्राइस आती है। तो ये कुछ टेक प्रोडक्ट्स थे जो इस हफ्ते लॉन्च हुए थे, तो जो मैंने जिसके बारे में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशंस बताई। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या और किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।